सुहागन रे मारी लट जीते रहे। जीते रहे बेटा। अन्नपूर्णा जी, जिन हालातों में ये ब्याह हुआ है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं और रागिनी के दादाजी उसे ससुराल तक छोड़ने आ सकते हैं। कैसी बातें कर रही हैं? जरूर आ सकते हैं। चलो बेटा। बड़ों के आशीर्वाद बिना बच्चे की जिंदगी कभी सफल नहीं होता। रागिनी, तू मेरा नातनी का जिंदगी बर्बाद कर दिया और मेरा लड़की का खुशियां छीन लिया। मंगलन, चुप, एकदम चुप हो जा मनवरन। मेरा बात अभी तक खत्म नहीं हुआ। तू अपने शादी का जिद में एक जुड़ा हुआ और जुड़ते हुआ जिंदगी को रिश्ते एकदम तोड़ दिया। हमियों तो क्यों अभिशाप दी रागिनी, तेरा ये शादी कभी सफल नहीं होगा। दो घर उजर कर तू अपना घर कभी नहीं बसा पाओगी। तेरे रास्ते पे से पत्थर और पत्थर ही होगा। ना चैन से जी पाओगी तू और ना मर पाओगी। मैं दुर्गा माँ से प्रार्थना करती हूँ हमारा ये अभिशाप सहने का तक शक्ति दे। सब तब भी खत्म होगा जब तू अपना गलती मान जाओगी। चलो रागिनी, यादव, संभल के, तेरा ये शादी कभी सफल नहीं होगा। ना चैन से जी पाओगी तू और ना मर पाओगी। प्रतिमा, प्रतिमा, हमें नानी माँ का अभिशाप लग गया। अब हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ना लाडो, ऐसी कोई बात ना है, तू बिल्कुल चिंता ना कर। अरे लाडो, ऐसी पापी औरतों की ना दुआ लगे है और ना ही बद्दुआ, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तारे को कुछ ना होगा लाडो। देख देख मेरी तरफ, मैं हूं ना हमेशा हमेशा थारे साथ हूँ। क्या होगा तारे को? चल चल। सब ठीक है, कुछ ना होगा।
लक्ष्य के प्यार को अपना लो स्वरा स्वरा स्वरा। लक्ष्य को हमारे लिए हमारे घर वालों ने चुना था, हम मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुके। अपने प्यार के लिए लड़ना गलत कैसे हो सकता है? बचाओ लक्ष्य। तुम ठीक तो हो ना? तुम ये मेंटली डिस्टर्ब होने का नाटक क्यों कर रहे हो? रागिनी तूने ये सब किया? हम तो अभी अभी स्वरा के साथ रहने लगे। हमें नहीं पता अगर वो पहले से ड्रग्स लेती हो तो। स्वरा ने कल रात हमसे कुछ कहा था क्या? ये क्या होने वाला पति लगा के रखा है। अब ये लड्डू खाइए और अपना गुस्सा भूल जाइए, समझे? वो हमें पूछना था कि हमारा काम तो हो जाएगा ना? हमें माफ कर दो स्वरा। तो स्वरा के साथ मंदिर गए थे ना? नहीं दादी माँ, हम तो मंदिर नहीं गए। संस्कार 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 पागल संस्कार नहीं है, पागल नहीं है। मैं आज अभी इसी वक्त रागिनी से शादी करूंगा। तुम्हारा स्वागत है रागिनी। चलो सबसे पहले तुम और लक्ष्य जाके मंदिर में माथा टेकाओ। परी जी, मम्मी जी, लेके जाओ बेटा। चलो देवा जी। लाडो, सभी बड़ों का आशीर्वाद ले। सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहना। जी वो जिस तरह से ये सारी चीजें हुई उस वजह से वो थोड़े से अशांत से हैं। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, मैं समझाऊंगी इन्हें।
परिणीता इसे अंदर ले जाओ, बहुत थक गई होगी बेचारी। जी मम्मी जी। बहुत अच्छा हुआ जो आप इसके साथ आई। जिस तरह से ये सब कुछ हुआ, इसे इस वक्त आपके साथ की बहुत जरूरत थी। ये तो आपका बड़प्पन है। आपका बड़प्पन है कि आपने हमारी भावनाओं को समझा। हमारी लाडो को अपनाकर आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है अन्नपूर्णा जी। कैसी बातें कर रही हैं? रागिनी को बहू के रूप में पाकर हम धन्य हुए। बहुत नाज है मुझे मेरे बेटे के फैसले पर। जी मैं अभी आई। से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है अन्नपूर्णा? आप जानते हैं मैं आपसे क्या कहना चाहती हूं। देखिए जी, जब तक ये तय था कि स्वरा की शादी लक्ष्य से होने वाली है, आप बहुत खुश थे। लेकिन जब से आपको ये पता चला है कि स्वरा का असली चेहरा क्या है और जब से रागिनी इस घर की बहू बनकर आई है, आप तब से कुछ खफा से हैं। आप उसे अपनाने में इतना झिझक क्यों रहे हैं जी? क्या बात है? देखिए जी, स्वरा से शादी करने का फैसला लक्ष्य का खुद का था और उससे शादी तोड़ने का भी। ठीक उसी तरह रागिनी से शादी करने का फैसला भी लक्ष्य का ही था। किसी ने उसके साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की है। तुम ठीक कह रही हो अन्नपूर्णा। पहले हम लक्ष्य के फैसले से खुश थे क्योंकि उसमें उसकी खुशी थी, लेकिन इस फैसले में सिर्फ उसका गुस्सा, और गुस्से में किए गए फैसलों के लिए इंसान को बाद में पछताना पड़ता है। इसीलिए हम लक्ष्य और रागिनी दोनों से नाखुश हैं। लेकिन रागिनी से क्यों जी? उसने क्या किया है? आज बाड़ी में रागिनी पर कई सवाल उठाए गए जिनका जवाब किसी को नहीं मिला। वो बात, वो सवाल हमारे जहन में घूम रहे हैं, इसीलिए हम फिक्रमंद हैं, उलझन में हैं। उलझन? कैसी उलझन दादी माँ? मैंने अपने पूरे होशो आवाज में रागिनी से शादी करने का फैसला लिया है। हाँ, हमारी लाडो बहुत भोली है लक्ष्य। थारे साथ आ तो गई रिश्ते में बंद कर, पर कल को अगर स्वरा वापस आ गई फिर क्या होगा हमारे लाडो का? मान लो कि स्वरा वापस आकर माफी मांग ले, अपनी गलतियां मान ले, फिर हमारे लाडो का क्या होगा? एक मिनट दादी माँ, स्वरा ने गलती नहीं की है, उसने जो किया सोच समझ कर किया है। उसने मुझे और मेरे प्यार को ठुकराया। तुम्हारी लाडो को वो प्यार दे पाएगा, स्वरा को भुला पाएगा? नहीं दादी माँ, नहीं भुला पाऊंगा।
क्योंकि स्वरा के प्यार में धोखा मिला। से एक वादा कर कि तुम्हारी लाडो को हमेशा खुश रखेगा, वह को कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ दादी, मैं वादा करता हूं कि रागिनी को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अग्नि को साक्षी मान के साथ मेरे लिए मैं शादी जैसे पवित्र बंधन का मान रखते हुए मैं एक पति होने की सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। रागिनी आज मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन आज से वो मेरी पत्नी है। स्वरा की गलतियों की सजा मैं अपनी पत्नी को हरगिज नहीं दे सकता। वेलकम रागिनी। अब तुम तो खुद ही इतनी घरेलू और संस्कारी हो, मैं तुम्हें क्या सिखाऊं? हाँ, पर अब तुम ये समझ लो कि ये घर अब तुम्हारा है और इस घर के सभी रिश्तों को अब तुम्हें अपनाना होगा, ठीक है? और ये देखो तुम्हारा कमरा, log on to colorstv.in.com, like us on facebook.com/colorstv, follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com, like us on facebook.com/colorstv, follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com, like us on facebook.com/colorstv, follow us on twitter.com/colorstv.